हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ विजुअल बेसिक जो विजुअल स्टूडियो जो कोड होता है उसके ऊपर आप पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करा सकते हैं। बहुत आसान है, पहले तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना होगा। मैंने इंस्टॉल कर रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो। तो ये जैसे विजुअल मैं टाइप करता हूँ ऊपर विजुअल स्टूडियो 2022 ये आ जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। इसे मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए इसे सेट किया है, तो यहाँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। जैसे ही जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, पाइथन यूज करना चाहते हैं, जावा यूज करना चाहते हैं, ASP.NET यूज करना चाहते हैं, क्लास लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, किस आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको वो सेलेक्ट करना है जो आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं यूज करना चाहता हूँ पाइथन, तो पाइथन के लिए नीचे आएंगे, ये हम देख सकते हैं ये विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो आपको जो यूज करना हो वो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए मैंने इसे इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर हम पाइथन ही लेंगे। तो ये देखिए पाइथन एप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ सीधा सीधा पाइथन पे चले जाइए और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पाइथन एप्लीकेशन ये आ गया है यहाँ पे। नाम आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम मैं फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो नेम है उसी को रहने देने वाला हूँ। यहाँ क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने आएगी। अब ये विंडो कुछ इस तरीके से डिजाइन करनी है, ठीक है। कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, देखिए जो कोडिंग आप करते हैं पाइथन में बिल्कुल वैसे ही आपको कोड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, ओके, x इज इक्वल टू int इनपुट। आपको याद होगा कि पाइथन की जो आईडी है, जो स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को मैंने कोडिंग सिखाया था, सिंपल है प्रोग्राम तो वही है, लेकिन यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पर ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो पर ये प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे वाई y is equal to, फिर y की int input देंगे, तो int से यानी integer की बात हो रही है और input input function है, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पे कर देता हूँ enter the second number, enter the second number, तो इस तरीके से आपको भी कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आकर के c is equal to z कर देते हैं, z, ठीक है। तो के नीचे आएंगे z is equal to x plus y, x y एक्स प्लस वाई। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई के लिए बना सकते हैं, बड़ा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ये तो छोटा मोटा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पे आप प्रिंट करवा देंगे, तो सिंपली इस तरीके से प्रिंट लिखिए और यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा दीजिए द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, इसको क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, यहाँ पे जेड दे देंगे, ठीक है। बस हो गया काम आपका, इतना ही आपको करना है। और इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से रन करना है। रन करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बहुत आसान है, विजुअल स्टूडियो कोड पे रन कराना, पाइथन का कोड है या कोई भी कोड है, तो ये 55 हो गया, एंटर द सेकंड नंबर 8 हो गया, तो यहाँ पे आपका आ गया है टोटल नंबर। ये एप्लीकेशन के जैसे काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन सेव कहाँ हुआ होगा, पाइथन एप्लीकेशन 2 के नाम से है ये .py, तो पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी, काफी बार मैं बता चुका हूँ। यहाँ से हम जाएंगे ओपन पर, ठीक है, और प्रोजेक्ट पे जाएंगे, हमने प्रोजेक्ट ही बनाया था, तो प्रोजेक्ट का क्या नाम था, ये देखिए पाइथन एप्लीकेशन 2, तो ये हमारा एप्लीकेशन है और इस पे जा सकते हैं हम, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और आप इसको यूज कर सकते हैं कभी भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, दो नंबर्स को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे पाइथन में, देखिए यहाँ पर आएंगे, अब ये देख सकते हैं ये पुराना प्रोग्राम है, इसे मैं हटा देता हूँ और नया प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने नया प्रोग्राम लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो है रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है, रेंज 5 दिया गया, 1 से लेकर 25, इसे आप बढ़ा घटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको सेव करना है, तो इसको सेव कर लेते हैं, तो ये सेव कर लिया, उसी नाम से सेव किया, उस प्रोग्राम को हटा दिया, नया प्रोग्राम इसमें चला दिया मैंने, और यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं,
ठीक है, अब बताइए 1 से 25 तक के बीच के रैंडम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शन हमने यूज किया है, एक इम्पोर्ट रैंडम किया है और एक इम्पोर्ट मैच किया है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा छोटा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये कैसे काम करना है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से और भी प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आपको बताता हूं मैं। अब ये एक और छोटा सा प्रोग्राम मैंने टर्टल का प्रोग्राम लिखा है, इसको इम्पोर्ट करवाया है, ठीक है। और अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सेम नाम से ही सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से सीधा सीधा स्टार्ट पे चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का एक लाइन बन रहा है। ये देखिए ये एक लाइन बन रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन बन रही है, ये लाइन आपको नजर आ रही होगी किस तरीके की ये लाइन बन रही है। तो ये ग्राफिक्स प्रोग्राम है और इसमें आप कलर लगा सकते हैं, स्टार टाइप का लाइन बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे लाइन वाइज, अभी तो एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ आपको कि किस किस तरीके से ये चलाना है, किस किस तरीके से ये करना है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज किया है मैंने टर्टल के प्रोग्राम में, और यहाँ पर अगर इसको मैं रन करवाता हूँ तो देखिए क्या होगा। जैसे इसको रन करवाया मैंने तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन रहा है। अब देखिए फिर से मैं इसको रन करवाता हूँ, एक बार इसको क्लोज कर दिया जाए, फिर इसको मैं रन करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो ये देखिए एक छोटा सा एनिमेशन लाइक प्रोग्राम बन रहा है। ये देखिए ये देख रहे हैं, ये स्क्वायर बन रहा है और एक स्टार एरो टाइप का यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। फिर एक बार इसको रन कराता हूँ, काफी मजेदार है ये। तो यहाँ पर जाता हूँ, टर्टल को इम्पोर्ट कराया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। एक और छोटा सा आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, यहाँ देखिए स्टार बन के आएगा, स्टार, ठीक है। इसके लिए ये प्रोग्रामिंग की गई है और टर्टल को इम्पोर्ट कराया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक स्टार टाइप का आपको स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ, एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं। एक बार फिर इसको रन कराता हूँ, काफी मजेदार है ये। पाइथन एक्चुअल में है बहुत मजेदार, जो कि काफी कठिन तो है ही, लेकिन एक बार आप सीख लेंगे तो काफी आपको अच्छा फील होगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, और वीडियोस को वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।